दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आपके भी किडनी में पथरी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों गर्मियों का मौसम आ गया है, एसी कूलर चलने शुरू हो गए हैं, लोगों ने ठंडा पानी पीना भी शुरू कर दिया है और उसी के साथ ही एक और चीज जोरों शोरों से हो रही है और वो है गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन, जिसकी तकलीफ आज के समय में बहुत ही ज्यादा आम हो गई है। ऐसे में सवाल ये आता है कि हम गुर्दे की पथरी से कैसे बचें, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और अगर ये किसी को हो जाए तो इसका लेजर ऑपरेशन कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो दोस्तों हमारी किडनी में जो मिनरल्स और सॉल्ट्स के डिपॉजिट किडनी में छोटे छोटे स्टोन की तरह बनते हैं उन्हें किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पथरी कहते हैं। अब किडनी स्टोन कब बनता है? तो दोस्तों जब लोग पानी कम पीते हैं या फिर किसी का वजन ज्यादा बढ़ने लगता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना और डाइट में गड़बड़ी की वजह से भी किडनी स्टोन बनने लगता है। क्योंकि अगर कोई अपनी डाइट में सोडियम शुगर या फिर प्रोटीन ज्यादा लेता है तो उसकी बॉडी में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ने लगती है। अब कई लोगों को किडनी स्टोन तो दवाइयों और ट्रीटमेंट वगैरह से सही हो जाता है, लेकिन कई बार इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ऐसे सिचुएशन में लेजर सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि ये क्या सुरक्षित है, क्या लेजर ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों पहले के समय में जब गुर्दे में पथरी होती थी तो पेट पर या कमर पर लंबे लंबे चीरे लगाकर गुर्दे को हाथ में लेकर उसमें से पथरी निकालनी पड़ती थी और ये काम डॉक्टर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इतना ही नहीं, जिस किसी का भी ऑपरेशन होता था उसे बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द होता था, कई बार टांके लगाने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, उसमें पस पड़ जाता था और इस तरह की समस्या काफी लंबे समय तक लोगों को झेलनी पड़ी। पर अब चिंता की बात नहीं है क्योंकि पिछले 10-12 सालों में गुर्दे की पथरी को ठीक करने के लिए काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां आज के समय गुर्दे की पथरी का इलाज लेजर से होता है यानी कि बहुत ही बारीक दूरबीन होती है जिसकी मदद से गुर्दे की पथरी को ठीक किया जाता है, जहां 2 mm या 3 mm डायमीटर वाली दूरबीन को मुंह के रास्ते से या फिर पेशाब के रास्ते से शरीर के अंदर ले जाया जाता है, जहां ये छोटी सी लेजर गुर्दे की नली से होते हुए गुर्दे में पहुंच जाती है और वहां पर जो भी पथरी मौजूद होती है उसे लेजर ब्लास्ट करके उसका चूरा बना दिया जाता है। क्योंकि जो किडनी स्टोन बड़ा होता है उसे गलाने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार अगर किडनी में मौजूद स्टोन टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया तो उसे पूरी तरह से खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता और इसी प्रोसेस को गुर्दे की पथरी का लेजर ऑपरेशन कहा जाता है। दोस्तों ये दूरबीन गुर्दे के अंदर 2 तरीकों से जा सकती है, जिसमें से एक तरीका तो ये होता है कि कमर के अंदर छोटा सा छेद करके डायरेक्टली दूरबीन को गुर्दे में घुसाया जाता है और जो दूसरा तरीका होता है उसमें बहुत ही बारीक दूरबीन का इस्तेमाल करके पेशाब के रास्ते से उसे किडनी तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके अंदर हल्का सा ब्लास्ट करके लेजर की मदद से स्टोन को काट दिया जाता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि पथरी का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि अगर पथरी बड़ी है तो उसके लिए कमर में छेद करके किडनी स्टोन को तोड़ना पड़ता है और अगर पथरी छोटी है तो पेशाब के रास्ते से उसे ठीक किया जाता है। अब कई लोगों को ये सवाल होता है कि क्या इस लेजर टेक्निक में कोई चीरफाड़ होता है, टांके लगते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस टेक्निक से किया जाने वाला ऑपरेशन बिल्कुल सुरक्षित होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीरफाड़ या टांका नहीं लगता। हालांकि अगर दूरबीन को पेशाब के रास्ते अंदर डाला जा रहा है तो उसमें कोई भी चीरफाड़ नहीं होती, लेकिन अगर कमर के रास्ते थोड़ा सा छेद करके दूरबीन को डाला जा रहा है तो उसमें कोई भी चीरफाड़ नहीं होती। ताकि लेजर ट्रीटमेंट किया जा सके तो इस कंडीशन में छोटा सा टांका लगता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा कट किया जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस तरह के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है और ना ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। हॉस्पिटल में केवल एक दिन रुकने से अगले दिन आपका ऑपरेशन होकर आपको छुट्टी भी मिल जाती है।
अब कई लोगों के दिमाग में आता है इस लेजर ऑपरेशन में क्या क्या खतरे होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ऑपरेशन रिस्क फ्री नहीं होता। हर ऑपरेशन में अपने कोई ना कोई खतरे होते हैं, लेकिन इस लेजर ऑपरेशन को अगर कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर करे, मशीनें वगैरह साफ हो, तो आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जो दो खतरे सामने आते हैं, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, क्योंकि जब पथरी टूटती है तो उसके अंदर के बैक्टीरिया निकल कर बुखार या ब्लड प्रेशर में कमी कर देते हैं। और अगर ब्लीडिंग की बात की जाए तो कई बार पेशाब करते समय थोड़ा सा खून आ सकता है। कई बार लेजर ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उन मामलों में रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उन मरीजों के साथ होता है जो काफी ज्यादा बूढ़े हैं, या ऑपरेशन जिनका ढंग से नहीं किया गया, या फिर उन्होंने पहले ऑपरेशन करवा रखा हो। वरना अगर आप पहली बार ऑपरेशन करवाए तो सब कुछ ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी आता है कि ऑपरेशन कितना महंगा है। तो दोस्तों, पहले के टाइम पर ये ऑपरेशन काफी ज्यादा महंगा हुआ करता था, लेकिन अब चीजों की कीमत कम हो गई है। ऊपर से पहले कम डॉक्टर उस ऑपरेशन को करते थे, लेकिन अब बहुत सारे डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग करके इस ऑपरेशन को करना शुरू कर दिया है। इसलिए गुर्दे की पथरी का लेजर ऑपरेशन करवाना अब ज्यादा महंगा नहीं है, बल्कि चंद पैसों में आप अपना ये ऑपरेशन करवा कर अपनी पथरी से निजात पा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कई सारे इंश्योरेंस वगैरह में भी कवर किया जाता है। यानी अगर आप इंश्योरेंस किए हुए हैं तो आप इस ऑपरेशन को बड़े आराम से करवा सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तब भी ये ऑपरेशन करवाना आम आदमी के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज के टाइम पर किसी को अगर किडनी स्टोन हुआ है तो लेजर ऑपरेशन सबसे अच्छा विकल्प है, जिसे बिना ज्यादा दर्द और परेशानी के स्टोन जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है, वो भी बिल्कुल कम दाम में। इसलिए अगर किसी को ये समस्या होती है तो इसे वीडियो के बारे में जरूर बताइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।